हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स को अपने आरबी के प्लेटफॉर्म पे। जनवरी की हम कंप्लीट कर चुके हैं, फरवरी की करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और पूरे 2023 की मंथली करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, इवन पीसीएस भी हो, तो आपके करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपके बने, ठीक है, आप उनको सॉल्व कर पाओ। तो वन लाइनर टॉप 100 करंट अफेयर्स को लेके आया हूं। टॉप 100 कहने को है, हर क्वेश्चंस के जो भी उससे जुड़े हुए पहलू होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा, आपको लिखवाऊंगा। तो 100 क्वेश्चन जरूर होंगे लोग, लेकिन वो आपको 300-400 की इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ये हमारा आरबी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बैचेस चल रहे हैं, द्रोणाचार्य बैच, मैथ स्पेशल शुभम सर का, इसके अलावा ऑफिसर्स बैच है जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स का बैच है, जिसमें जीएस में इकोनॉमिक्स में ले रहा हूं, करंट अफेयर्स को मैं ले रहा हूं, बाकी टीचर्स हैं, शुभम सर हैं। और ये अलग अलग सेगमेंट के लिए है, इंग्लिश के लिए अलग है, जीएस, रीजनिंग, मैथ और इन सब के अपने अलग अलग बैचेज हैं, इनको आप ले सकते हो। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, जो फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स को हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बजट, चूंकि बजट आया था, आपको पता है 1 फरवरी को 2023-24 का बजट आया है और ये अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल क्या है? 2022 में 75 साल पूरे हो गए आजादी के लिए 15 अगस्त 2022 को, और 2047 तक, 15 अगस्त 2047 को 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी के। ये जो 25 साल का जो टाइम पीरियड होगा इसी को बोला गया है क्या? अमृतकाल। इसी को क्या बोला गया भैया? अमृतकाल बोला गया। और अमृतकाल का पहला बजट था ये 2023-24 का बजट। मैंने बजट में आपको पढ़ाया है फिजिकल डेफिसिट, सरकार का राजकोषीय घाटा, और सरकार हर साल, मैंने बताया था एफआरबीएम एक्ट, बजट पढ़ाते टाइम इकोनॉमिक्स में 2003 में आया था फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जिसमें सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हर साल वो अपना रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, राजस्व घाटा कितना होगा, फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, राजकोषीय घाटा कितना होगा, ये सब टारगेट अनाउंस करेगी। तो सरकार का बजट 2023-24 का फिजिकल डेफिसिट का क्या टारगेट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना? 5.9% ऑफ जीडीपी है। पिछले साल का जो बजट था 2022-23 का, उसका टारगेट कितना था? 6.4% ऑफ जीडीपी, जीडीपी के साइज का 6.4%, जिसको 0.5% कम करने का टारगेट रखा गया है। अगला, इस बजट में सरकार ने एक टारगेट डिसाइड किया है, एक अनाउंसमेंट किया है कि भारत को हम विकसित बना देंगे, डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। कब तक? कब तक भैया? 2047 तक, जब हम आजादी की 24 सालगिरह मना रहे होंगे, तब तक भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि भारत को क्या करेंगे? एक विकसित राज्य बना देंगे। क्लियर है भैया? अगला, इसी बजट में ये टारगेट रखा है कि इस फिजिकल डेफिसिट को 2025-26 तक कितना कम करना है? कम करके कितना करना है? 4.5% ऑफ जीडीपी करना है। क्लियर है? अगला, यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन आपको पता होगा, ध्यान रखना, यूनेस्को, WHO, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की। यूनाइटेड नेशन के अगर ऑर्गन्स की बात करें, अंगों की बात करें, तो 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, पता होगा आपको। पहला, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, महासभा, जिसके जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं। सबसे पावरफुल बॉडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 15 मेंबर्स की है, जिसमें 5 P5 होते हैं जिनके पास वीटो होती है, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूके, रसिया। तीसरा ICJ, तीसरा हम कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें 15 जजेज होते हैं, इसमें
जिसमें भारत का रिप्रेजेंटेटिव, भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो जज हैं उनका नाम है ऑनरेबल जस्टिस दलवीर भंडारी जी इस समय। चौथा इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पांचवा ट्रस्टीशिप काउंसिल। और छठा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट सचिवालय। ये छह ऑर्गन्स है। तो यूनेस्को का जो पीस प्राइज 2022 का है वो किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को दिया गया है। जर्मनी की एक्स चांसलर रही हैं एंजेला मर्केल। चांसलर वहां पे सबसे बड़ा पद होता है जर्मनी में, उनको दिया गया है। अगला, बजट का अमृतकाल कहा जाता है। थोड़ा गलत लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गया। बजट ऑफ विच ईयर इज कॉल्ड फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। लिखो, पहले मैं बता चुका हूं, ये फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। अमृतकाल का पहला बजट किसको कहा गया है? फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। अमृतकाल का पहला बजट, बजट 2023-24 को, ये मैं अभी बताया मैंने। बजट 2023-24 में सात प्रायोरिटीज को, सात प्राथमिकताओं को सरकार ने तय किया है कि किस सेक्शंस पे ध्यान देना है, किस सेक्टर पे ध्यान देना है। जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लास्ट व्यक्ति तक पहुंच। क्लियर है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, लास्ट व्यक्ति तक पहुंचेंगे, वहां तक हर सुविधा पहुंचाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। इस तरीके से 7 प्रायोरिटीज को डिसाइड किया है सरकार ने, और उन 7 प्रायोरिटीज को बजट में क्या नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नाम है क्या? सप्तऋषि। क्या नाम दिया गया है उसको? सप्तऋषि नाम दिया गया है। अगला देखो, यहां पे लिख दिया मैंने, क्वेश्चन पूछ सकता है। जो सात प्राथमिकताएं हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट लिख लेना यहां पे, 7 प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपमेंट। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाती हैं चीजें, जो हमारी थोड़ी टीम काम करती है उसकी गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए सॉरी कह रहे हैं आप लोगों से हम। तो 7 प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपमेंट अनाउंस की गई हैं बजट 2023-24 में, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। मैं उनको वहीं पे करेक्ट कर देता हूं चीजों को, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वो कौन कौन सी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। पढ़ाया मैंने इकोनॉमिक्स में, सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट फॉर ऑल। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, आधारभूत संरचना का विकास और निवेश करना उसमें पैसा। रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। अनलीजिंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल को, जो क्षमता है उसको सामने लाना, उभार के सामने लाना। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ मतलब एनवायरमेंट, इको फ्रेंडली ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए किया जाए, मतलब मैं कह सकता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। यूथ पावर, युवाओं की शक्ति को पहचानना, उसे आगे लाना और देश को मजबूत बनाना। और फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान देना, उसको मजबूत करना। अगला, किस बजट में क्लेम पॉइंट प्लान, नहीं गलत लिख दिया है यहां पे, थोड़ा सही कर लेना भाई। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, स्वच्छ पौध कार्यक्रम। पूरा नाम है आत्मनिर्भर, आत्म निर्भर, मैं बोल दे रहा हूं आप लोग लिख लेना, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, स्वच्छ पौध कार्यक्रम। किस बजट में लॉन्च किया गया? इसी बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, स्वच्छ पौध कार्यक्रम। बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित है? डिसीज फ्री सीड्स तैयार करना है, डिसीज फ्री प्लांट या सीड्स को तैयार करना, उनकी पौध को तैयार करना, और ऐसी पौध तैयार करना जो हाई वैल्यू हो, उच्च वैल्यू वाली, कीमत वाली, उत्पादकता वाली सीड्स, बीजों को, प्लांट्स को तैयार करना, उनके प्लांटेशन, उसकी पौध को तैयार करना। इसके लिए काम कर रहे, इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हैं इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है भैया?
157 नर्सिंग कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत खोले जाएंगे। अगला, इस बार के बजट में एक टारगेट रखा गया है कि हम सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया तो आप जानते ही हो, रक्त अल्पता, खून की कमी, महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है एनीमिया, रक्त अल्पता, खून की कमी, उसको एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे, उन्मूलन करेंगे। कब तक करेंगे भारत से उन्मूलन? टारगेट रखा है 2047, आजादी की 120 सालगिरह। अगला क्वेश्चन है, आपको पता होगा भारत में किस स्टेट या यूटी में लिथियम डिपॉजिट, लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है, आपको पता है, रियासी क्षेत्र है, सलाल हाइमाना एरिया में, जम्मू कश्मीर में। रियासी क्षेत्र भारत का कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है, भारत का सबसे शुद्ध कोयला जिसको एंथ्रेसाइट कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में या केमिस्ट्री में, एंथ्रेसाइट आपने सुना होगा, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें एंथ्रेसाइट सबसे शुद्ध रूप में पाया जाने वाला कोयला होता है। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में एकमात्र जगह पाया जाता है, रियासी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, और इसी रियासी क्षेत्र में जो बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, वहां लिथियम का भंडार पाया गया है। और लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और बैटरियां बनाने में, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिपॉजिट निकला है, ये बहुत ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है देश के तेजी से डेवलपमेंट करने में। अगला क्वेश्चन, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, एक क्वेश्चन है लिथियम ट्राइंगल, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभी तक हम लिथियम को कहां से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से बड़े मात्रा में इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमारे पास खुद का भंडार मिला है और दुनिया में फेमस है लिथियम त्रिकोण। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन से देश आते हैं? साउथ अमेरिका का देश है एक तो बोलीविया, दूसरा चिली और तीसरा अर्जेंटीना। ये तीन देश हैं, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, इनको लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी हिंदी में लिख देता हूं भैया, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में लॉन्च किया गया था, देश के सबसे पिछड़े जिलों को नाम दिया गया था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। लिख लो क्या, देश के सबसे पिछड़े जिले एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नाम दिया गया था, 112 डिस्ट्रिक्ट इनमें शामिल किए गए थे, सभी राज्यों के जो सबसे पिछड़े हैं, चाहे वो सोशली हैं या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले हैं, सोशल इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले हैं, पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, एजुकेशन हेल्थ के लेवल पे बैकवर्ड हैं, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना था, वहां पे सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था, इसके लिए लॉन्च किया गया था महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसकी तर्ज पर इस साल के बजट में एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एस्पायरेशनल ब्लॉक्स कार्यक्रम, और इसमें अब ब्लॉक तक जाएंगे और 500 ब्लॉक, भारत के सबसे पिछड़े 500 ब्लॉकों का चयन किया जाएगा। अगला, सोशियो इकोनॉमिक ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन मिशन है, पूरा लिख लेना, सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फॉर द सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, जनजातीय जो आबादी है देश की, उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इस साल के बजट में सरकार ने एक मिशन को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? नाम देखो, यहां लिखा गया है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। पीवीटीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइब्स में भी वो जनजातियां जो आदि मानव, आदि जनजातियां हैं, आदिम जनजातियां, आदमी जंगलों में रहती हैं, आदि मानव से, आदि मानव की जो मतलब एक प्रकार से जंगलों में निवास करती हैं, आदि मानव का जीवन जी रही हैं। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करती है किसको पीवीटीजी का दर्जा दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार इस समय भारत की 75 ट्राइब पीवीटीजी हैं जो अत्यंत पिछड़ी हैं। क्लियर है?
जैसे आपने अंडमान में सुना होगा, अंडमानीज, निकोबारीज, जेरेबा, शोमपेन, तमाम तरीके की। तो उनके विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया जिससे उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सके, प्रधानमंत्री पीबीटी जी विकास मिशन। अगला, एग्रीकल्चर सेक्टर में हाउ मच क्रेडिट आर प्रोवाइडेड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में सुना होगा ना, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट को फ्लो को बढ़ावा देने के लिए सरकार केसीसी स्कीम चलाती है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो कितने पैसे का कृषि ऋण के लिए इस बार के बजट में प्रोविजन किया गया है? पहली बार 20 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, इस बार के बजट में सरकार ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में मैंने पढ़ाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत अवसंरचना, रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, है ना, इन सबको डेवलप करना, डैम्स को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितनी वृद्धि की गई है? और ऑल टाइम हाई, इतनी वृद्धि एक साल में कभी नहीं की बजट में, 33% का इंक्रीज किया गया है। और कैपिटल बजट को 10 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड दिया गया है। भारत में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार एक साल में 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करेगी। इसीलिए कहा गया है कि ये वाला जो बजट है 2023-24 का, अमृतकाल का पहला बजट, ये विकसित भारत की बुनियाद डालेगा, नींव डालेगा। इसीलिए दुनिया के हर इकोनॉमिस्ट ने, भारत के हर इकोनॉमिस्ट ने इस बजट का खूब तारीफ की, मोदी जी की खूब तारीफ की। लोगों को ऐसा लगता था कि मोदी जी जो है चुनाव आने वाले हैं तो ऐसा बजट देंगे जहां पर जो है बहुत सारी योजनाएं बढ़ा चढ़ा के अनाउंस की जाएंगी, जनता को बहक मतलब जो है अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा, फ्रीबीज की तरह बांटी जाएगी। लेकिन नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अपना अलग तरीका है, वो अलग अंदाज में काम करते हैं और वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड काम करते हैं। उन्होंने वही किया, उन्होंने देश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए बजट दिया। देश में सबसे ज्यादा इस बार देश सरकार ने इस बार के बजट में फोकस किया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसीलिए हर इकोनॉमिस्ट ने इस बजट की तारीफ की, हर अर्थशास्त्री ने तारीफ की कि ये बजट विकसित भारत 2047 तक बनाना है उसकी बुनियाद प्रस्तुत करेगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की बुनियाद होती है, नींव होती है। और भारत सरकार ने 33% की वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ से ज्यादा एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का ऐलान किया। इसीलिए कहा जाता है कि मोदी जी जो हैं वो जो काम करते हैं वो सबसे हटकर करते हैं। अगला, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज, याद रखना है, इस साल के बजट में एक फंड को अनाउंस किया गया है। अर्बन शहरी क्षेत्र में शहरी अवसंरचना के विकास के लिए, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस साल के बजट में क्लियर एक फंड स्टेब्लिश किया गया। उसका नाम क्या है? UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसके अंतर्गत कितने हजार करोड़, 1000 करोड़ नहीं है, यहां पे गलत लिख दिया है, 10 हजार करोड़ का प्रोविजन किया गया है। कितना किया गया भैया? 10 हजार करोड़ का प्रोविजन किया गया है इसमें अर्बन, और ये किन शहरों के लिए? टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज, ध्यान रखना, टीयर वन सिटीज, तीन प्रकार की सिटी, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, टीयर वन सिटी वो होते हैं जहां की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, वो टीयर वन होते हैं। टीयर टू सिटी वो होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना है, जिनकी पॉपुलेशन 50 हजार से 1 लाख के बीच में होती है। और टीयर थ्री सिटीज वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 हजार से कम होती है। तो टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज पे फोकस किया जाएगा, छोटे शहरों पे फोकस किया जाएगा, वहां अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत बनाया गया है UIDF। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स। क्लियर है, वेस्ट टू वेल्थ मतलब जो अवशिष्ट है, वेस्ट हो चुका है जो चीज, उससे धन क्रिएट करना है,
गोबर से खाद बनानी है, खड़ी गली चीरों से बायोफ्यूल्स बनाने हैं, सीएनजी बनानी है, सॉरी सीबीजी बनाना है, कंप्रेस्ड बायोगैस बनानी है, एथेनॉल बनाना है, उसको कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ, अवशिष्ट को संपदा में क्रिएट करना है, तो इसके लिए गोवर्धन स्कीम चलाई गई थी। क्लियर है? 2019-20 के बजट में सरकार ने लॉन्च की थी गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका गोबर नाम ही है, गोबर को धन बनाना था, जिसमें मतलब गोबर से मलमूत्र से खाद बनानी थी, बायो फर्टिलाइजर्स बनाने थे, जैव उर्वरक बनाने थे, बायो पेस्टिसाइड्स बनाने थे और बायो गैस बनानी थी। क्लियर है? तो उसका नाम था गोवर्धन स्कीम। उसके अंतर्गत कितने लॉन्च, कितने स्थापित किए जाएंगे इस बार के बजट में? 500। अगला, 2023-24 के बजट में कितने सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जहां पे बायोगैस का प्रोडक्शन होगा, अनाउंस किया गया, कितने सेट किए जाएंगे? 200 बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। अगला, एमएसएमई सेक्टर के लिए, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सरकार गारंटी देती है क्रेडिट की बैंकों को, कि अगर एमएसएमई को आसानी से लोन प्रोवाइड कराओ, उसकी लोन की गारंटी हम लेते हैं, उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम चला रही है सरकार कोविड के टाइम से ही। और इसके लिए 2023-24 में कितना प्रोविजन किया गया है भैया? 9,000 करोड़ का, जिससे एमएसएमई को पैसे की कमी ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में 13 गीगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, मतलब सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, सौर ऊर्जा प्लांट कहां स्थापित करने की बात की जा रही है भैया? लद्दाख में स्थापित करने की बात की जा रही है। अगला, बहुत ज्यादा चर्चा में रही शेड्यूल 6 अनुसूची 6 संविधान की, क्योंकि आपने सुना होगा लद्दाख में वहां के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, लगातार दिल्ली में आके भी प्रोटेस्ट किया गया कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए संविधान की। तो भैया शेड्यूल 6 है क्या? संविधान की छठी अनुसूची क्या कहती है? संविधान की छठी अनुसूची जो है आर्टिकल 244 है, जिसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, 244 सब क्लॉज 1, 244 पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा सब क्लॉज 2, 244 सब क्लॉज 1 फिफ्थ शेड्यूल से संबंधित है और ये सिक्स शेड्यूल है, शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिए जाते हैं वहां का प्रशासन से संबंधित प्रोविजन है इसमें। तो छठी अनुसूची में ये 4 राज्य आते हैं जिनका नाम है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों को शेड्यूल 6 में डाला गया है, बाकी अदर राज्यों के जो शेड्यूल एरिया है उनको फिफ्थ शेड्यूल में डाला गया। क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन, मैंने आंसर दे दिया, शेड्यूल 6 किस आर्टिकल से संबंधित है? 244(2). क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य यूटी में वहां के लोगों ने डिमांड की कि छठे शेड्यूल में उसको डाला जाए, मैंने आंसर दे दिया लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखो, शेड्यूल 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम शामिल है, इसमें कितने क्षेत्रों में वहां के प्रशासन में ऑटोनॉमी दी जाती है? मैंने बोला ना वहां के प्रशासन के लिए प्रोविजन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनको कहते हैं स्वायत्त जिला परिषदें, ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स, ADCs कहते हैं, ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स, जिसमें वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां के लोगों को सहभागी बनाया जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां के। कितनी है भैया? 10 है, 4 राज्यों में 10 ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, 10 में 3 असम में है, 3 मेघालय में है, 3 मिजोरम में है और 1 त्रिपुरा में। देख लो, असम में है बोडोलैंड, पूरा नाम लिख देना बोडोलैंड, कार्बी आंगलांग, इसका नाम है कार्बी आंगलांग ओंगलोंग, और एक है दीमा हसाओ। ये 3 क्षेत्र हैं जिनमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है,
शेड्यूल सिक्स के अंतर्गत असम में बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग और डीमा असाउ, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया या डेवलपमेंट काउंसिल है, मेघालय में आपको पता होगा गारो खासी दैंतिया, जो तीन हिल हैं, श्रेणियां हैं, माउंटेन रेंज हैं, उन्हीं के नाम पर है और ट्राइब्स के नाम पर रखी गई हैं वो गारो खासी और जयंतिया, और मिजोरम में है चकमा, माना और लाई। क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, जिसमें डिसाइड होता है कि क्या दंड दिया जाएगा। आईपीसी भाई सीआर दो होते हैं ना, सीआरपीसी और आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड, भारत की दंड संहिता और ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ये 1973 की है और ये आईपीसी 1860 अंग्रेजों के टाइम की। तो चूंकि अभी आपने सुना होगा राहुल गांधी जो हैं विपक्ष कांग्रेस पार्टी के लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको एक केस में डिफेमेशन के केस में, मानहानि के केस में सजा हो गई 2 साल की। सजा जैसे ही होती है, एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये भी चर्चा में आ गया, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कब आया, 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसका इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है एमपी या एमएलए है, तो वो अपनी सजा के पूरा करने के 6 वर्ष तक क्या रहेगा, किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, मतलब एमपी एमएलए नहीं बन सकता है। वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो बैन हो जाएगा चुनाव लड़ने से। जैसे राहुल गांधी को डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा हुई है, तो 2 साल + 6 साल मतलब 8 साल तक वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते, एमपी या एमएलए नहीं बन सकते, क्लियर है। हालांकि लोअर कोर्ट ने उन्हें सजा दी है, तो अभी उनके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, क्लियर है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है, उसमें ये प्रोविजन किया गया है। तो भारत में डिफेमेशन किस आईपीसी में लिखा गया है, 499 और 500 में लिखा गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में आईपीसी जो डिफेमेशन सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, दोनों है। सिविल का मतलब होता है, सिविल मामलों का मतलब होता है दीवानी मामले कहते हैं, जहां केवल जुर्माना डाला जाता है। क्रिमिनल का मतलब जहां जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है, आपराधिक मामले फौजदारी कहते हैं। 2023-24 के बजट में भारत सरकार ने कितना टारगेट रखा है, डिस इन्वेस्टमेंट लिखा है भैया, थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पे, डिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, विनिवेश का टारगेट रखा है, कितना बी निवेश करेगी, मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा निकालना अपनी एसेट बेच के। तो भारत सरकार ने 2023-24 में कितना डिस इन्वेस्ट करेगी, मतलब सरकार एसेट बेच के पैसा प्राप्त करेगी, वो कितना टारगेट रखा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 51,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है। अगला, रिसेंटली एक ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है इंडिया और कनाडा के बीच में, उस ट्रेड एग्रीमेंट का क्या नाम है भैया, ईपीटीए, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट ईपीटीए, अगर ये साइन होता है इंडिया और कनाडा के बीच में, तो ट्रेड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत फेमस ट्रीटी सामने आई है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी से रशिया के साथ साथ अमेरिका अलग हो गया, रशिया दोनों अलग हो गए, क्लियर है। ये रशिया और अमेरिका के बीच की ट्रीटी थी, जिसका पर्पस था दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेंशन, विस्तार को रोकना था। इन्होंने साइन किया था ये ट्रीटी को, जिसमें इन्होंने कहा था कि दोनों देश आपस में मिलके नाभिकीय हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब्स को क्या करेंगे, कम करेंगे, और उनका एक्सपेंशन नहीं करेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं। इन दोनों नई ये दोनों देश इस ट्रीटी से अलग हो चुके हैं। यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है भैया, जर्मनी है। जर्मनी सबसे ज्यादा व्यापार हम जर्मनी से करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किन देशों के साथ 2+2 डायलॉग करता है,
टू प्लस टू वार्ता या संवाद करता है। टू प्लस टू का मतलब होता है दो देशों के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्री और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्री दोनों आमने सामने बैठते हैं। दूसरे देश के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, तो चार लोग मिलकर एक साथ मीटिंग करते हैं, इसको कहते हैं टू प्लस टू डायलॉग। दो इधर से दो उधर से, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। ये चार देश कौन से हैं? रसिया, इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इंडिया के साथ किसमें है? क्वाड में है। तो इंडिया इन देशों के साथ क्या करता है? इंडिया इन देशों के साथ टू प्लस टू डायलॉग करता है। अगला क्वेश्चन दो, देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने लिखा है, क्वाड बनाया था इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना के एक्सपेंशन को रोकने के लिए, चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड किन देशों ने मिलकर 2017 में बनाया है? एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। चार देश आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कौन से चार देश हैं, यहां पे आंसर मिस हो गया है, बहुत कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, अभी इससे पहले डिस्कस किया, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, मालाबार मल्टीलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, किन देशों के बीच होती है? भैया इंडिया, यूएसए और जापान के बीच होती है। पहली बार इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है और पहली बार ये एक्सरसाइज कहां पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ये सेम है, क्वाड की तरह ही बनाया जा रहा है, ये बस क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मालाबार नाम है जिसका। इंडिया, जापान और यूएसए के बीच होती आ रही है। सबसे पहले इंडिया यूएस के बीच होती थी, 2015 में जापान जुड़ गया इसमें और अब पिछले दो साल से ऑस्ट्रेलिया भी इसके साथ आ गया। अगला C4IR, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेयर विल बी द सेंटर, लिखा है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, C4IR, चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक आर्थिक मंच संस्था का नाम सुना होगा, 1973 में बनी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक संस्था है जहां हर साल एक समिट होती है इसकी, दाओस में, जिसको कहते हैं दाओस समिट, स्विट्जरलैंड का शहर, जहां पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष वहां पे आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, भाषण देते हैं वहां पे, मतलब बताते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया दुनिया में इस समय कैसे लीड कर रहा है, उसको क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमारे यहाँ संभावनाएं हैं दुनिया भर के, चूंकि ये प्लेटफॉर्म क्या देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकारें भी आती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी आते हैं, अलग अलग देशों की सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, साथ ही साथ वहां प्राइवेट सेक्टर आते हैं, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पे आती। तो हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति का सेंटर स्थापित किया गया तेलंगाना में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला, समर्थ योजना किससे संबंधित है? समर्थ योजना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को प्रमोट करने से संबंधित है। क्लियर है। और ये कब लॉन्च की गई? 2020 में। किसने लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री 2020 में लॉन्च की गई। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को क्या करना है? प्रमोट करना है, प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 और 4.0 जो होगा, चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मैंने टेक्नोलॉजी आपको बताई होंगी, 3D प्रिंटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये जो आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं इनसे संबंधित है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति।
रिसेंटली चर्चा में रहा चैट जीपीटी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग का टूल है, ह्यूमनॉइड है, ह्यूमन रोबोट है जो इंसान की तरह सोचता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अडॉप्ट कर लिया। ओपन एआई करके एक संस्था है अमेरिका की, उसने इसको बनाया है। ये लिखा है अमेरिकन रिसर्चर्स ने इसको बनाया है और चैटबोट है ये, चैटबोट मतलब रोबोट है। जीपीटी इसका फुल फॉर्म है, जनरेटिव एंड प्री एंड ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है अपने, जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्च इंजन में माइक्रोसॉफ्ट इसका यूज करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, जैसे आप कोई गूगल पे इंफॉर्मेशन डालते हो तो 50 तरह के लिंक खुल जाते हैं, लेकिन चैटबॉट क्या करेगा, आपने जो इंफॉर्मेशन पूछी है सबसे सटीक जानकारी खुद सर्च करके आपके पास पहुंचा देगा, आपको अलग अलग लिंक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूमन रोबोट है, ह्यूमनॉइड है, चैटबॉट है, क्लियर है। और इसी को काउंटर करने के लिए गूगल ने, चूंकि गूगल सर्च इंजन आपने सुना होगा, गूगल ने बनाया है क्या, एक दूसरा चैटबॉट जिसका नाम है वार्ड, BARD, यहीं पे लिख देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किया चैट जीपीटी, जिसको ओपन AI करके संस्था है, अमेरिका की एक स्टार्टअप है, उसने डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा अल्मा रेडियो टेलीस्कोप, नामी है अटकामा लार्ज मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप। कहां पे, अटकामा डेजर्ट है चिली, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में अटकामा डेजर्ट है, पेरू और चिली में फैला हुआ अटकामा डेजर्ट, वहां पे इसको लगाया गया है अल्मा रेडियो टेलीस्कोप। क्वेश्चन है अगला, रिसेंटली वेस्टर्न घाट चर्चा में था, हाउ मेनी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं दुनिया में, इन इंडिया, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया में। चार हैं, वेस्टर्न घाट जहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां बहुत ज्यादा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन जो कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है, और सुंडा लैंड, अंडमान एंड निकोबार। चार कौन कौन से हैं भैया, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन जो म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर वाला रीजन है, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट का पूरा वेजिटेशन, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, खूब वर्षा वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और लास्ट क्या है, सुंडा लैंड है, इसका नाम क्या है, सुंडा लैंड, अंडमान निकोबार, यहाँ भी खूब बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। रिसेंटली किस देश में आपदा आई, आपको पता होगा, तुर्की और सीरिया में खतरनाक भूकंप आया, और हमने चलाया तुर्की में मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा चलाया गया था तुर्की में आए अर्थक्वेक में मदद करने के लिए, ऑपरेशन दोस्त, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की किस तीन प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्थित है, तभी तो तुर्की में खतरनाक भूकंप आते हैं, तुर्की सीरिया में, क्योंकि वो तीन टेक्टोनिक प्लेट्स पे स्थित है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती है, भूकंप आ जाता है। एक यूरोपियन प्लेट है, देखो तुर्की के उस साइड यूरोप है, इधर पूरा अफ्रीकन प्लेट है, और ये अरेबियन प्लेट है, सब प्लेट है, अरेबियन प्लेट ये मेजर प्लेट है, यूरोपियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, और ये क्या है, सब प्लेट है, उसकी उप प्लेट है, ये किसका पार्ट है, ये एशियन प्लेट का पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, यूरोप और एशिया की जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट आपको पता होगा रसिया का इधर वाला रीजन जो है, ठीक है, तो रसिया में जो है यूराल पर्वत है, रसिया में यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स के इधर वाला रीजन यूरोप में आता है रसिया का, इधर वाला रीजन एशिया में आता है, इसीलिए रसिया को यूरेशिया बोला जाता है। तो पूरा यूरेशियन प्लेट में है, यूरोप प्लस एशिया, रसिया का एशिया वाला भाग और पूरा एशिया का भाग, तो उसको कहते हैं, तो उसी की एक सब प्लेट है, वेस्ट एशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, तो इन तीन प्लेटों पर स्थित है, इनका जब टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तो खतरनाक भूकंप आते हैं। अगला, तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया है वो किस तरीके का है, नाम है देखो स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक है। जो नॉर्मल भूकंप आते हैं, मैं बता देता हूं, जो नॉर्मल भूकंप देखने को मिलते हैं वहां पे टेक्टोनिक मूवमेंट जो होता है
प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे होती है, दूसरी ऊपर होती है, तो इस तरीके से कन्वर्ज करती हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलली ना होके एक दूसरे के परपेंडिकुलर टकराव करती हैं। एक प्लेट दूसरे प्लेट के परपेंडिकुलर टकराव करती है, उसको कहते हैं, जो नॉर्मल भूकंप आते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन यहां स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक आया है, इन प्लेटों के बीच आपस में पैरेलली टक्कर हुई है जो जबरदस्त वाली हुई है। क्लियर है? पैरेलल टक्कर होने पे ये खतरनाक भूकंप को पैदा करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक, और ये बहुत खतरनाक था। अगला, किन देशों को लिथियम ट्रायंगल बता दिया मैंने पहले ही आपको, इंडिया लिथियम रिजर्व के मामले में कौन से नंबर पे है? सातवें नंबर पे है दुनिया में, सातवें नंबर पे भारत लिथियम रिजर्व के मामले में। लिथियम रिजर्व को केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? व्हाइट गोल्ड, क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है और सिल्वर की जगह, सिल्वर की तरह, चांदी की तरह सफेद होता है। मनोदर्पण पहल, मनोदर्पण पहल, क्लियर है? मनोदर्पण पहल किससे संबंधित है? कोविड के टाइम में शुरू की गई थी, ये मेंटल हेल्थ से संबंधित थी, मेंटल सपोर्ट देना था स्टूडेंट्स, क्योंकि कोविड में स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तो स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को मेंटल सपोर्ट देने के लिए टीचर्स और पेरेंट्स को मनोदर्पण इनिशिएटिव शुरू किया गया था। अगला, एक वर्ड यूज हुआ था जिन्हें इकोनॉमिस्ट आशीष बोस ने 1980 में यूज किया था, आशीष बोस नाम के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने 1980 में एक वर्ड का यूज किया था, बीमारू स्टेट, बीमारू राज्य। आजकल भी वो वर्ड पॉलिटिक्स में बहुत चर्चा में रहता है, किन राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है? एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई चर्चा में आ गया कि इसे किस अर्थशास्त्री ने दिया, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, आशीष बोस ने दिया 1980 में। दूसरा, इन बीमारू राज्यों में किन राज्यों को इन्होंने इंडिकेट किया था? वो राज्य जिनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सोशियो इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पीछे थे। कौन कौन से राज्य? BI से बिहार, MA से इन्होंने MP बोला, मध्य प्रदेश, R से इन्होंने राजस्थान बोला, और U से उत्तर प्रदेश बोला। इन चार राज्यों को इन्होंने बीमारू राज्य कहा था, इन्होंने ये बोला था इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन ये पिछड़े हैं इकोनॉमिक रूप से, सामाजिक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन, हेल्थ के मामले में। तो इन चार राज्यों को इन्होंने बीमारू शब्द का यूज किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आज इस समय बहुत तेजी से यूपी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, योगी जी की सरकार में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? अगला, किरण हेल्पलाइन शुरू की गई 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किससे संबंधित है? मेंटल हेल्थ की जो हेल्पलाइन थी, ये मेंटल हेल्थ, क्योंकि कोविड के टाइम में ये शुरू की गई, मेंटल हेल्थ, क्योंकि लोग घरों में बंद हो गए तो उन्हें मेंटली मेंटल हेल्थ को लेकर इशू ना पैदा हो, इसलिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई थी जिसका नाम था किरण। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली चर्चा में रहा NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो आयोग है, राष्ट्रीय आयोग, कब गठित किया गया? 2005 में एक एक्ट आया, NCPR एक्ट 2005, और किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। स्मृति ईरानी जी का मंत्रालय उसके अंडर में काम करता है ये NCPCR। भारत में बच्चा गोद लेने का जो प्राधिकरण है वो कौन सा है? कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। ये भी किसमें आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। थैंक यू। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। स्मारक मित्र योजना, मॉन्यूमेंट्स मित्र, किससे संबंधित है? मॉन्यूमेंट्स मित्र योजना किससे संबंधित है? तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनियों को सीएसआर, आपको पता होगा प्राइवेट कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको सीएसआर करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट सेक्टर का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, वो प्रॉफिट कमा रही है लेकिन समाज में कितना योगदान दे रही है, क्लियर है? 2% सीएसआर करना होता है अपने प्रॉफिट का, कंपनियों को समाज के लिए खर्च करना पड़ता है, समाज में अवेयरनेस कैंपेन चलाना, तमाम तरीके का एजुकेशन, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करना। तो स्मारक मित्र योजना चलाई गई है प्राइवेट सेक्टर के लिए सीएसआर के अंतर्गत। वो क्या करेंगे, देश के 1000 मॉन्यूमेंट्स का चयन किया जाएगा और उनके दोबारा उनका प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन, उनकी मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट सेक्टर सीएसआर का पैसा खर्च कर सकता है। एक बुक है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी, बहुत फेमस हो गई है, आपने सुना होगा, मिडाइवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर, द सिटी ऑफ हम्पी, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, उसके संबंध में एक बुक लिखी गई है विक्ट्री सिटी। किसने लिखी है, एक लेखक है फेमस, सलमान रसूदी, विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। दो भाई बुक्का और हरिहर, हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा स्थापित साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य, जहां की राजधानी हम्पी थी, क्लियर है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे एस्टैब्लिश हुआ था। सुना होगा राजा कृष्णदेवराय। अगला, रिसेंटली चर्चा में मावजा जेंगबो रिवर, चाइना इस पे डैम बना रहा है इसलिए चर्चा में, चाइना हमेशा से वाटर डिप्लोमेसी खेलता है देशों पे दबाव बनाने के लिए, नदियों पे डैम बना देता है, पानी रोक देता है, तो जो उस रिवर का फ्लो अन्य देशों में जा रहा है तो वहां पानी रोकने पर सूखा पड़ सकता है, पानी तेजी से छोड़ने पर बाढ़ आ सकती है। तो एक नदी है मावजा जेंगबो रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये तिब्बत से आती है, नेपाल में मिलती है और नेपाल से भारत आते हुए घाघरा रिवर में मिल जाती है, जो घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो चाइना तिब्बत वाले क्षेत्र में इस पे क्या बना रहा है, डैम बना रहा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। अगला, भारतीय क्षेत्र जो तीन है, लिपुलेख, लिंपिया धुरा और काला पानी, नाम सही कर देता हूं मैं, काला पानी, लिपुलेख और लिंपिया धुरा, धुरा लिंपिया धुरा, लिंपिया धुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये तीन क्षेत्र हैं भारतीय, ये चर्चा में है, ये किस डेकन देशों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, त्रिकोण पर स्थित है, ये भारतीय क्षेत्र हैं जिनके पास में तिब्बत वाला क्षेत्र लगता है, चाइना का जो कब्जा करके रखा है तिब्बत पे चाइना ने, और दूसरा नेपाल का क्षेत्र, तो इंडिया नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पर स्थित ये भारतीय क्षेत्र हैं, लिपुलेख, लिंपिया धुरा और काला पानी। अगला क्वेश्चन, डैमर भाषा डैम बहुत चर्चा में है, डैमर भाषा डैम पूछ सकता है कहां पर है, कौन बना रहा है, तो पाकिस्तान बना रहा है पीओके में, जो कि हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ने गलत अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है, उसको वापस लेना है हमें। किसकी सहायता से बना रहा है, चाइना की सहायता से, किस नदी पे बनाया जा रहा है, लिख लेना इंडस रिवर पर। गिलगित रीजन में बना रहा है, इंडस रिवर पर, चाइना की मदद से, पाकिस्तान डैमेर भाषा डैम। रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने साउथ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट जो कॉरिडोर है उसको इनॉग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कौन सा है भैया,
चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नाम दिया गया है इसको, चेन्नई से बेंगलोर तक। तो जाएगा देखो बेंगलोर कर्नाटक, तुमकुरु कर्नाटक, कृष्णापत्तनम आंध्र प्रदेश, पोन्नेरी तमिलनाडु, और फिर पहुंचेगा चेन्नई तमिलनाडु। तीन राज्यों से होकर गुजरेगा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये पांच जगहों को टच करेगा, पांच बड़े शहरों को टच करेगा। आपने इसके अलावा और भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सुने होंगे, आपने एक सुना होगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक सुना होगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट है ये, सॉरी ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक दिल्ली मुंबई। दिल्ली मुंबई आपने फ्रीट कॉरिडोर सुना होगा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर उसके आसपास बनाया जा रहा है, और ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न माल समर्पित माल ढुलाई गलियारा के आसपास बनाया जा रहा है, ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको। देख लो, भारत का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 2011 में स्टार्ट हो चुका है। इसके आसपास कॉरिडोर का मतलब है ये होगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से जाता है कहां तक, दादरी नोएडा तक। क्लियर है, माल ढुलाई मालगाड़ी चलेगी इस पे, और इसी के आसपास क्या बनेगा, इसी के आसपास इंडस्ट्री लगेंगी, इसी को कहा गया है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दूसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडिया का अमृतसर कोलकाता है, जो मैंने दूसरा बताया ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के आसपास, जो लुधियाना से दंकुनी तक जाता है कई बार बता चुका हूं। तीसरा है बाइजैक, बाइजैक मतलब विशाखापट्टनम से चेन्नई तक ईस्ट कोस्ट, और चौथा है कोलकाता से चेन्नई तक ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अगला, 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें किस झांकी को, किस स्टेट की झांकी को पहला प्राइज मिला, उत्तराखंड की झांकी को पहला प्राइज मिला है। अगला, एक बुक है जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एवंडेंट द पुअर, किसकी है, मेघनाथ देसाई की बुक है, चर्चा में है वो, क्वेश्चन पूछ सकता है। रिसेंटली जो G20 में भारत के शेरपा, एक पद होता है G20 में शेरपा का पद, वो कौन है, अमिताभ कांत जी हैं, फोटो लगा हुआ है, ये नीति आयोग के एक्स सीईओ रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं नीति आयोग के, पहले सीईओ भी थे ये नीति आयोग के, इनके बाद परमेश्वरम अय्यर जी बने, और अभी रिसेंटली बने हैं फरवरी में बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए स्कीम चलाई गई लाडली बहना, जिसमें वो महिला हर एक महिला को 1,000 रुपये सरकार देगी, केवल उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो टैक्स पेयर है, मतलब जिनके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब है, जो टैक्स भरती हैं, अच्छा खासा इनकम, तो जो बाकी सारी महिलाओं को मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, हर महिला को 1,000 रुपये देंगे पर मंथ। अगला, अकॉर्डिंग टू IMP नहीं IMF, एफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अनुसार 2023 में इंडिया दुनिया की ग्लोबल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, देखो 15%, मतलब 2023 में जो जीडीपी जो प्रोडक्शन होगा दुनिया का, उसमें केवल 15% कहां होगा, इतना बड़ा अमाउंट भारत में प्रोडक्शन होगा, इसीलिए दुनिया की सारी संस्थाएं कह रही हैं कि दुनिया डूब रही है कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, इंडिया एकमात्र दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है जो बहुत तेजी से अपने फुल पोटेंशियल के साथ आगे भाग रहा है, और ये आगे भी भागता रहेगा, और ग्लोबल जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता रहेगा 15% का। अगला, ओडिशा तो आपने फेमस सुना ही होगा, रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत चर्चा में था ओडिशा, क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ सकता है ओडिशा जिसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट घोषित किया है किसने, यूनेस्को ने,
यूक्रेन का ओडेशा, जहां पे रसिया यूक्रेन वॉर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट था उसको। अगला जीवन विद्या शिवर नामक जो गवर्नमेंट टीचर स्कूल टीचर जो है उनका एक जीवन विद्या शिविर नामक इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल जी की सरकार ने इसको। अगला समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन किस सरकार ने चलाया है जो एक एम्पावर अंडर प्रिविलेज्ड, जो अंडर प्रिविलेज्ड बिटियां हैं, मतलब बेटियां हैं, छात्राएं हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, वंचित बेटियों के सशक्त बनाने के लिए अभियान चलाया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, योगी जी की सरकार ने यह चलाया है। अगला विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। प्रमोद सावंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है गोवा में। ऑल स्कूल आई हेल्थ मतलब जहां पर आंख के स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन और बहुत सारे तरीके के हेल्थ चेकअप्स स्कूलों में लगाए जाएंगे, आंख संबंधी आई हेल्थ संबंधी कार्यक्रम चलाए गए। अगला कौन से राज्य ने नाम चेंज कर दिया है, इस्लाम नगर का बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, एमपी ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी मैं बता चुका हूं विशाखापट्टनम होगी, पहले बोला जा रहा था अमरावती बनाई जा रही है लेकिन अब विशाखापट्टनम किया गया है। अगला क्वेश्चन अडानी ग्रुप को रिसेंटली इजराइल का बहुत फेमस पोर्ट अधिग्रहण किया है, एक्वायर किया है अडानी ग्रुप ने, उस पोर्ट का नाम क्या है? हाइफा पोर्ट, बहुत फेमस पोर्ट है हाइफा पोर्ट, उसको अधिग्रहण किया है अडानी समूह ने। रिसेंटली दो भारतीय क्रिकेटरों ने रिटायरमेंट ले लिया है सभी फॉर्म से क्रिकेट के, एक देखो नाम सुना ही होगा आपने जोगिंदर शर्मा, 2007 में जो हमने 2020 वर्ल्ड कप जीता था उसमें लास्ट ओवर इन्होंने किया था, और ये मुरली विजय दूसरे। अगला विश्व का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ लगाया गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है, गुजरात में लगाया गया है। रिसेंटली तीन देशों ने एक सहयोग समझौता कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस में, रक्षा में, एनर्जी में और इकोनॉमी के सेक्टर में, वो तीन देश कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया, यूएई और फ्रांस, रक्षा ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करें। ये टॉपिक मैं पहले बता चुका हूँ, I2U2 वेस्टर्न क्वाड सॉरी वेस्ट एशियन क्वाड क्लियर है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, इन चार देशों ने 2021 में इसको बनाया है, जो क्वाड 2017 में बना अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, उसी का वेस्ट एशियन रूप है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, I2U2। हाल ही में माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीनी तीन लोन ऐप, चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, उनके नाम क्या है? पेयूज, लेजी पे, किस्त, आपने सुना होगा, ये बहुत सारी आजकल छोटी छोटे ऐप्स स्पेशली चाइना ओरिएंटेड, चाइना से ऑपरेटेड, ये गलत तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्लियर है, गलत तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ले रहे थे, इन पे बहुत सारे आरोप लगे। जैसे इन्होंने क्या किया, ऐपों ने, इन ऐपों ने, ऐसी खबरें आई कि इन्होंने क्या किया, लोन दिया और लोन वसूलने के लिए सारे उसके सामने वाले के कॉन्टैक्ट सिंक कर लिए, और सारे कॉन्टैक्ट, जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग थे उन तक फोन जाने लगे रिकवरी के लिए लोन की, मतलब ये गलत तरीके से काम कर रहे थे क्रेडिट के फील्ड में। इन चीनी तीन लोन ऐप्स को बैन किया है सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी कहते हैं इन एप्स का नाम है, पेयूज, लेजी पे और किस्त। अगला इंटरनेशनल सीवेड आईएसए, इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, समुद्र के तल पर जो मेटल्स और नॉन मेटल्स पाए जाते हैं जिनको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की ये एजेंसी इसको रेगुलेट करती है। इसने किस देश को पायनियर इन्वेस्टर का खिताब दिया है? पायनियर इन्वेस्टर्स, अग्रणी निवेशक कौन सा देश होगा? इंडिया को दिया है कि दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स अब उसकी नजर किसकी तरफ होगी? इंडिया की तरफ होगी।
इंडिया के मरीन क्षेत्र में और इंडिया में बहुत इकोनॉमिक पोटेंशियल है हमारे देश में, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर्स आगे आएंगे। इंडिया की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कहां पर, किस स्टेट या यूटी में बनाई गई है? यायातसो लद्दाख में, यायातसो पैंग, आपने सुना होगा टीएसओ, ज्यादातर लद्दाख के क्षेत्र में जो चीजें होती है वहां लगाया जाता है, तुसो कहते हैं इसको, तुसो मोरोरी लेक, पैंगोंग तुसो लेक सुना होगा। अगला, गूगल ने हाल ही में चैट जीपीटी के काउंटर के रूप में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गूगल ने चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटिव के रूप में इसको लॉन्च किया है, बार्ड को मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इंडिया का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रीन बॉन्ड, इंडिया का पहला कौन सा ऐसा नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, आपको पता है, स्वच्छता के मामले में नंबर वन रहने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया है 2023 का, ठीक है, 13 नहीं है, 2023 कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन की संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, हर साल वैश्विक हैप्पीनेस खुशहाली सूचकांक निकालता है, 2023 है ये, 13 नहीं है, यहां पर कर लेना हिंदी में भी। इंडिया की क्या रैंक है? 126वीं रैंक है। ये बहुत हंसने वाली बात है, भारत सरकार ने इसका विरोध किया है। इस ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है 2023 की, इसमें इंडिया की रैंक पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना, यूक्रेन, ऐसे देशों से पीछे रखी गई है, जबकि ये देश क्या है, इनके यहां खाने के लिए नहीं है, भिखारी हो चुका है पाकिस्तान, बर्बाद हो चुका है श्रीलंका, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, यूक्रेन युद्ध में बर्बाद हो चुका है, लेकिन भारत की रैंक इनसे भी पीछे दिखाई गई है, जबकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से भागती अर्थव्यवस्था है और दुनिया का बड़ी सुपर पावर्स में से एक बन गया है। दुनिया में समय तीन पावर्स ही हैं, अमेरिका, चाइना और इंडिया, ये तीन पावर रह गई हैं दुनिया की, जो जिनकी जो नए वर्ल्ड ऑर्डर को सेट कर रही है, नई वैश्विक व्यवस्था को बना रही है। तो ये ऐसे प्रोपेगेंडा इंडेक्स आते रहते हैं भारत के खिलाफ, ये विदेशी प्रोपेगेंडा होता है हमारे देश की इमेज को खराब करने का। कौन सा देश शीर्ष पर है? पहले स्थान पर लगातार 5-6 सालों से फिनलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, बिल्कुल नॉर्थ में स्थित है यूरोप के देश, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। ऑपरेशन दोस्त बताई दिया मैंने, तुर्की में चलाया गया। यूनेस्को द्वारा फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसको विश्व की बनाया गया है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहां पे है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसरो नासा ने एक ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया, आपने सुना होगा, लॉन्च करने वाला है सितंबर 2023 में, बहुत सालों से काम चल रहा है, निशार, नासा, मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर एपार्चर रडार, एक ऐसी रडार बना रहे हैं जो सभी मौसम में काम करेगी, बहुत एडवांस होगी, नासा और इसरो मिलके पहला ज्वाइंट स्पेस मिशन है नासा और इसरो का, ये निशान। H5N1 बर्ड फ्लू जो है, इससे हजारों जंगली पक्षी मर गए हैं, किस देश में? पेरू में, साउथ अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का देश पेरू, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर सुना होगा आपने। अगला, फास्टेस्ट, भारत का सबसे तेजी से 450 विकेट लेने वाले, टेस्ट विकेट लेने वाले इंडियन बॉलर बन गए हैं आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में यूपीटी ने यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंडिया का है, हमारे देश का है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, किस देश में लॉन्च किया गया इसको, जिससे आप पेमेंट्स करते हो यूपीआई से, यूपीआई आईडी आपने सुना होगा, सिंगापुर में। रिसेंटली पेरिस क्लब चर्चा में था,
पेरिस क्लब हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है भैया? एक इनफॉर्मल ग्रुप है 22 देशों का, वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी दुनिया के, जिनमें ज्यादातर देश किसके ग्रुप हैं? ओईसीडी के पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूरोप के अमेरिका के सहयोगी देश, जो सबसे पावरफुल इकोनॉमिक पावर है, पावरफुल देश है, रिच कंट्रीज है। इनफॉर्मल अनौपचारिक देश, अनौपचारिक ग्रुप है किसका? 22 वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्रीज का। करते क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता प्रदान कराते हैं वो उन राष्ट्रों को जो बीओपी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। बीओपी क्राइसिस मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, डॉलर का क्राइसिस। तो पेरिस क्लब चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने श्रीलंका को मदद देने के लिए हामी भर दी है और आईएमएफ में जो पैकेज देगा श्रीलंका के लिए उसके संबंध में ये तैयार हो गया है पेरिस क्लब। क्लियर है? तो बीओपी क्राइसिस से अभी आपको पता है श्रीलंका डूब गया था बीओपी क्राइसिस की वजह से, डॉलर नहीं रहा, पाकिस्तान डूब रहा है लगातार, खत्म होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, डॉलर नहीं है तो विदेशों से सामान नहीं मंगा पाओगे, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, उसको कहते हैं बीओपी क्राइसिस, मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया है। अगला, टॉप थ्री लेंडर्स या क्रेडिटर्स ऑफ श्रीलंका, जिसपे श्रीलंका का सबसे ज्यादा, श्रीलंका पर जिनका सबसे ज्यादा लोन है, चाइना का सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा लोन चाइना का है, दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे पे इंडिया है। हालांकि ये तीनों पेरिस क्लब के पार्ट नहीं है। अगला, जापान को छोड़कर चाइना और इंडिया पेरिस क्लब के पार्ट नहीं है। जापान तैयार हो गया है कि चाइना को, श्रीलंका को कुछ सहायता दी जाए, हालांकि इंडिया भी श्रीलंका को सहायता देता है, तैयार है। चाइना की बात है, चाइना उसका पार्ट नहीं है पेरिस क्लब का, इंडिया भी पेरिस क्लब का पार्ट नहीं है, ध्यान रखें। 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पे लॉन्च, कहां पे हुई? लखनऊ में हुई, यूपी में, और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, उन्होंने इनॉग्रेट की। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसने इसका शुभारंभ किया? अगला, किस स्टेट ने लॉन्च किया है फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल, लॉन्च किया है फैमिली आईडी, परिवार आईडी के नाम से। गवर्नमेंट समिट 2023 की कहां होने वाली है? सरकार की, सारे देशों की सरकारों का सम्मेलन कहां होने वाला है? दुबई में होने वाला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की। अगला, वंदे भारत का बहुत ही एडवांस वर्जन किन दो शहरों को जोड़ेगा? मुंबई को साई नगर शिरडी से जोड़ेगा वंदे भारत का जो नया और एडवांस वर्जन है। अगला, कोयला मिनिस्ट्री का, कोल मिनिस्ट्री का जो खनन प्रहरी ऐप है, खनन प्रहरी ऐप वो लॉन्च किया गया है, किस पर्पज से? जो माइनिंग होती है, जो खनन होता है देश में, उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, जिससे जो इल्लीगल माइनिंग है, अवैध खनन है, उसको देश में रोका जा सके और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने प्रेसिडेंट कलर, एक अवार्ड है ये, प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड है फॉर द एक्सेप्शनल पुलिस सर्विस के लिए, किस स्टेट को दिया गया? हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा पुलिस को दिया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको दिया गया है? हरियाणा पुलिस को दिया गया है, उनके एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट की। अगला, विच कॉन्टिनेंट विल बी द कंज्यूमर ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय 2025? सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ा होगा कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज, वो सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, आंसर है एशिया। 2025 तक आधी बिजली पूरे दुनिया में, जितनी पूरी बिजली कंज्यूम हो रही होगी, उसमें आधी बिजली कौन कर रहा होगा यूज? एशिया। पहले वुमेन प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पे हुआ, महिलाओं का आईपीएल 2023 में, सबसे महंगी खिलाड़ी आरसीबी ने खरीदी थी, स्मृति मंदाना जी जो इंडिया की क्रिकेटर हैं, वो सबसे महंगी प्लेयर थी वो डब्ल्यूपीएल 2023 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा पहला अरब कंट्री, अरब देश बन गया है जो अपने एस्ट्रोनॉट को, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा, स्पेस, स्पेस में कहां? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा, वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये आपका
पूरा फरवरी महीने का 100 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड किया, आपकी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया। तो ये आपकी फरवरी महीने की लगभग करंट अफेयर्स पूरी हो गई, जिसमें मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप लोग जुड़ सकते हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग इसके सब्सक्राइबर्स हैं। ये हमारे बैचेस चल रहे हैं जिसको आप खरीद सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा था फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। अगली नेक्स्ट क्लास में हम मार्च 2023 का करंट अफेयर्स लेके आएंगे। इस तरीके से हम 2023 में सारे मंथली करंट अफेयर्स को आपके सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।